दिल्ली में जम्मू कश्मीर सुरक्षा हालात पर बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कश्मीर में तीर्थ स्थलों की सुरक्षा बढ़ेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए पूर्ण सुरक्षा कवर होगा। यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। पर्यटन स्थलों पर बढ़ेगी चौकसी। ये आज की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक चल रही थी और इसमें से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अमरनाथ यात्रा सहित और जितनी भी वहां पे तीर्थ स्थल है उसको लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है और पहले की तुलना में और भी ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती इस पूरे रूट पे रहेगी। हालांकि अगर आप अमरनाथ यात्री हैं, आप वहां का सफर कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा 10 कदम पे वहां सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, इतनी निगरानी। लेकिन अब इससे भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानी है। मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, और बड़ी जानकारी इस पूरी मीटिंग से निकलकर जो सामने आई हो अमरनाथ यात्रा के अलावा? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस मीटिंग की ये है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसी और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि मिशन मोड पर आतंक विरोधी अभियान में वह हिस्सा ले, समन्वय के साथ हिस्सा ले, उच्चतम तकनीकों का हिस्सा ले और कुल मिलाकर जैसी सफलता उन्हें एरिया डोमिनेशन के रूप में उन्हें पिछले 5 सालों में अभियानों में मिली है वैसी सफलता मिशन मोड में एरिया डोमिनेशन की कश्मीर और जम्मू में करें और खास तौर पर जम्मू में। यह अहम ब्रेकिंग न्यूज है न्यूज 18 इंडिया पर और गृहमंत्री अमित शाह का यह साफ तौर पर निर्देश था मिशन मोड में समन्वय के तरीके से काम करें, कुल मिलाकर कि जो सफलता सुरक्षा बलों ने भारतीय एजेंसियों ने मिली है जिस वजह से आतंकियों के मंसूबे नापाक हुए हैं, नाकाम हुए हैं, ध्वस्त हुए हैं, एक बार फिर उसी मोड में उसी मिशन में इन एजेंसियों को जम्मू में कश्मीर में चलना होगा ताकि हो सके आतंकवाद का सफाया। जी, फिलहाल शुक्रिया।